शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने से तीसरी बार इनकार कर दिया, जिसके बाद से केंद्र की सत्ता पक्ष पार्टी बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर है। इस बीच जुबानी वार के बाद जमीनी तौर पर कोई विरोध जैसी स्थिति ना बने और अगर ऐसी स्थिति बनती भी है तो उसे काबू में कर लिया जाए, इसके लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सोसाइटी के मेन गेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी, आप बेईमान है, शराब का आपने घोटाला किया, आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, आप जेल जाएंगे। अब समय आ गया कि पब्लिक परसेप्शन में मेरी बुरी हालत बन गई है, पब्लिक मेरे साथ नहीं है। अब तीसरे नोटिस पे भी वही घड़ा पिटा। अब मैं चुनाव जो कि 5 महीने बाद आना है उसके लिए मुझे ईडी बुला रही है। ईडी आपको अरविंद केजरीवाल जी इसलिए बुला रही है, शराब घोटाले में जो आपने पैसे लिए हैं, जिस अरोड़ा का जाकर आप केक काटते थे, जो आपका परम मित्र था, जिसके एनिवर्सरी और बर्थडे के केक काटे जाते थे, वही अरोड़ा जो है आपके खिलाफ सरकारी गवाह है। नायर जो आपका नजदीक की साथी है, वो फोन पर सबसे बातें कराता था, उसकी चैट सबके बीच में है। 350 करोड़ रुपए की ट्रेल का हिसाब सामने है और जहां जहां पैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिए हैं उनका हिसाब है। अरविंद केजरीवाल जी के पास इन चीजों का जवाब नहीं है। अगर होता तो जब संजय सिंह के लिए बोलते थे, जो लोगों के बच्चों की बात थी, संजय सिंह जाएंगे जेल जी, ये जेल में रहेंगे जी, मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे जी, ये शहीद भगत सिंह है जी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अपनी बात आई तो हवा निकल गई है, इतनी जल्दी हवा निकल गई। सच्चाई ये है कि जो पैसा लूटा है उसका हिसाब देना पड़ रहा है, लेकिन इस भारत के कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भी जाना होगा, इस केस में सजा भी होगी। आप नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की है। आतिशी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि खबर आ रही है कि ईडी सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर छापेमारी कर सकती है और उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। तो वहीं सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि सुनने में आ रहा है कि ईडी सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। तो ये थी ईडी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।